हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो गिरकाओ गुजरात और हम आपको दिखा रहे हैं कृष्णा गिर फार्म की जो बच्चिया है उसका पूरा वीडियो लेके आए हैं जो हमने सब सेल की हुई है पहले। तो हमारा वीडियो इस टॉपिक पे है कि आप सभी लोगों को हम दिखा सके कि हमने कई सारी बच्चिया लीलड़िया 6-7 महीने पहले सेल की हुई है पूरे गुजरात में और पूरे इंडिया में। तो हम जो आपको दिखा रहे हैं सब लीलड़िया जो सामने से आ रही है वो सब हरा चारा पूरा घूम के और जो नेचुरल रहता है पहाड़ी में, वो पहाड़ी में पूरा जितना भी उसको अच्छा अच्छा खाना रहता है वही खाती है गाय, जिसकी वो गाय की बच्चियों की सबसे सेहत बहुत अच्छी रहती है और उसको क्या है कि पूरा नेचुरली मिलता है। नेचुरल मिलना बहुत ही बढ़िया है क्योंकि उसको कभी बुखार नहीं आता है, कभी गायों को गाय बीमार नहीं पड़ती है। तो आप सभी लोगों को यही निवेदन है कि गायों को आप खुला रखोगे ना उससे बहुत ही बढ़िया रहेगा। उसको 2-3 घंटे गायों को खुला रखो, बच्चियों को खुला रखो तो गायों की सेहत बहुत ही अच्छी रहेगी, कभी बीमार नहीं पड़ेगी। और हम आपको दिखा रहे हैं वो सब लीलड़ी बछड़िया है और जो ये लड़का लेके अभी जा रहा है वो मोरली है हमारी। वो मोरली हमने हमारी पुरानी ब्रीड की है, हमने ब्रीडिंग का भी काम करते हैं इसके साथ और बच्चियाँ भी तैयार करते हैं। तो वो भी आपको अगले वीडियो में वो भी दिखाएंगे। अभी जो दिखा रहे हैं वो हमारी मोरली है जिसको नाम लेके बुलाते हैं तो पूरे झुंड में से वो अकेली आगे निकल आती है नाम लेने से। और उसको हमने तैयार करने में उसकी माँ का जितना भी दूध था वो पूरा हमने पिला दिया था, मानो के 6-7 लीटर एक टाइम का दूध दे रही थी। तो जितना उसको पीना है उतना पी लेने के बाद हम उसको गाय को दूध निकालते थे, मानो के 2 लीटर भी आता है तो 2 लीटर ही निकालते हैं। बाकी पहले बछड़ी को पिलाते फिर बाकी का जो उसमें रहता है वही हमको निकालना, हमारा वही काम है। और हम कभी दूध सेल नहीं करते हैं, बेचते नहीं हैं। हमारा घी का मानो कि थोड़ा दूध बचा है तो उसमें से हम घी बना देते हैं, कभी डेयरी वालों को नहीं देते और कभी ग्राहकों को नहीं देते क्योंकि हम घी बना देते हैं और बच्चियों को ब्रीडिंग के लिए तैयार करते हैं। और हरा चारा में पूरा खा के आती है तब गाय बच्ची की सेहत बहुत ही अच्छी रहती है और एकदम शांत और बहुत ही बढ़िया, और गायों को चराने से भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया मज़ा आता है। जो हरा चारा में जब उसका टाइम रहता है बारिश का तो बारिश के मौसम में बहुत ही बढ़िया रहता है। ये वीडियो पूरा पुराना है, 3-4 महीने पहले का है। इसमें क्या है कि जब हरा चारा बहुत ही होता है ना तब हमारे यहाँ पहाड़ी में बहुत ही घास होता है जिसके कारण हम पूरी गायों को बच्चियों को पूरा घुमा के खिलाते हैं। और ये सब बच्चियाँ हमारे पास लीलड़ी और वाइट और कबरी जो बहुत ही रेयर ही मिलती है, ऐसी बच्चियाँ हम लाते हैं और ब्रीडिंग के भी तैयार करते हैं। और बाकी कोई ग्राहक को अपने फार्म के लिए, अपनी सेवा के लिए, अपने शौक के लिए गाय या बच्ची जो चाहिए तो हम उसको देते हैं। जो लोग गौ पालन करते हैं उसको ही देते हैं, बाकी किसी को देते नहीं है। जिसको शौक है गाय रखना उसको ही देते हैं। तो ये सब बच्चियाँ ब्रीडिंग के लिए है, लीलड़ी है। लीलड़ी का मतलब ऐसा होता है कि लीलड़ी बछड़ियों के कान काले रहते हैं और उसके स्तन काले रहते हैं, उसके पैर भी काले रहते हैं। मतलब लीलड़ी का मतलब ऐसा रहता है कि उसके स्तन काले होना ही चाहिए तो उसका लीलड़ी में गिनी जाती है। ये हमारा फार्म दिख रहा है पास में, और पास में ही उस पूरी पहाड़ी है और पहाड़ी में सब बच्चियाँ गाय हम खुला रखते हैं। ये वीडियो दिखाने का मतलब ऐसा है कि लोगों को पता चले कि हम पूरा
गायों को ब्रीडिंग के लिए और कैसे गायों को चराना है वो भी सिखाएंगे। तो सभी लोगों को निवेदन है कि गायों को 2-3 घंटा खुला रखें, अच्छी पहाड़ी हो तो उसके साथ उसको चराए। सब गाय अभी इसमें घूम के चर रही है और जो चरने के बाद सभी गाय इकट्ठा मिलके साथ में रह के फार्म पे जा रही है, वो भी आपको अभी दिखा रहे हैं। और बहुत ही शांत स्वभाव की रहती है गिर गाय का, मतलब ऐसा रहता है कि गिर गाय बहुत ही गुजरात में कम रह गई है क्योंकि उसका पालन सब लोग करते नहीं है, क्योंकि सब लोगों को मालूम नहीं है कि गिर गाय क्या है। गिर गाय का मतलब ऐसा होता है कि गाय पूरी शांत स्वभाव की होती है, सुंदर रहती है, उसका हेड टू मिल्क रहता है। पूरे विश्व में गिर गाय ऐसी है जो सबसे अलग रहती है, उसका दूध मिल्किंग अलग है और बहुत ही सुंदर रहती है और शांत स्वभाव की होती है। और उसकी कुंड बहुत बढ़िया रहती है, उसमें कई कारण है। और गिर गाय में श्वेत कपिला, ब्लैक कपिला, ऐसी कई बछड़ियाँ भी गाय आती है, बछड़ियाँ भी आती है, वो भी आपको बताएंगे। अभी जो आप देख रहे हो सामने, उसमें से एक वाइट बछड़ी है और बाकी लीलड़िया है, कबरी है और लाल है, जिसमें लाइन वाली बछड़ियाँ होती है। लाइन का मतलब ऐसा होता है कि गायों में जब उसका माता पिता फादर उसका जितना भी डिटेल निकालो, पूरा डिटेल होना चाहिए कि मदर मिल्क रिकॉर्ड, फादर मिल्क रिकॉर्ड सब होना चाहिए, वो कितना है, कैसे बच्चा दे रही है, वो सब रहता है। उसका मतलब होता है कि आप गायों में सबसे प्रभावशाली गाय है गिर गाय। गिर गाय से प्राप्त होने वाले तत्वों को श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि गिर गाय को सबसे शुद्ध माना जाता है। जब भी आप पंचगव्य का किसी भी रूप से सेवन कर रहे हो तो ये जान लेना बेहद जरूरी है कि वह गाय शुद्ध नस्ल की हो। वह चरने के लिए खुली जगहों पर जाए, उस पर सूर्य की किरणें पड़े और जड़ी बूटियां खाए। अगर ये सब होगा तो ही आपको उस पंचगव्य के सेवन से उसका औषधीय गुण प्राप्त होगा। जो गाय छपरे के नीचे पूरा दिन खड़ी रहती है, उस गाय के पंचगव्य में उतना प्रभाव नहीं होगा। यह गाय प्राकृतिक रूप से उगाया हुआ घास ही चरती है, जो कि एक तरह की जड़ी बूटियां ही है, जिसको उगाने में किसी भी प्रकार का यूरिया या पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं किया गया है। कुदरती बारिश में उगा हुआ घास ही गाय खाती है। तो आप खुद ही अब सोच सकते हैं कि जो गाय रोजाना 14 किलोमीटर चलती है और प्राकृतिक रूप से उगाया हुआ घास ही खाती है, उस गाय का दूध कैसा होगा। गाय के ऊपर एक खुंद होती है जिसको इंग्लिश में हम्प कहते हैं। सूर्य के किरण जब गाय के खुंद पर पड़ते हैं तो गाय के अंदर एक सूर्य नाड़ी होती है। उस नाड़ी के द्वारा गाय सूर्य के किरणों को अपने अंदर ले लेती है, उसके अंदर स्वर्ण भस्म बनता है। यहाँ गिर गाय को बहुत प्यार से और जतन से रखा जाता है। यहाँ इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि प्रोडक्ट हाइजीनिक तरीके से बने और प्रोडक्ट बनाने वाले व्यक्ति स्वच्छ हो और उनको किसी प्रकार का चमड़ी का रोग ना हो। गाय के दूध, मूत्र, गोबर और श्वास में भी बहुत औषधीय गुण पाए गए हैं। इन सब का नियमित रूप से सेवन करने से हम स्वस्थ और आरोग्यमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। गाय का पंचगव्य एक रामबाण औषधि है, इससे शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है।
કૂતરો રાખ પાડવાનું બાંધી રાખવાનું આપણને ગૌરવ છે અને ગાયમાં શરમ આવે છે. નવી પેઢી તરીકે, સુધરતી પેઢી તરીકે આપણે શાસ્ત્રોમાં લખેલી વાતોની સાથે સહમત નથી કોઈ હિસાબે. ગાયમાં શું વાત હોય? ગાયમાં ગાયનું દૂધ પીવો, ભેંસનું દૂધ પીવો, શું ફરક પડે? તો ખાલી યાદ કરાવી દઉં, ભેંસનું દૂધ છે ને એ 9 કલાકે પચે છે અને ગાયનું દૂધ 2 કલાકે પચે છે. ગાયની ઓરા માણસની ઓરા 5 મીટર સુધી, 2 મીટર સુધી કામ કરે છે, જ્યારે ગાયની ઓરા 500 મીટર સુધી કામ કરે છે. ખાલી યાદ કરાવી દઉં. વિશ્વના વૈજ્ઞાનિકોએ સાબિત કરેલી વાત તમે કદાચ શાસ્ત્રોનું ન માનો પણ વૈજ્ઞાનિકો તો માનો ને. હવે તો એવું છે કે અમેરિકાથી લંડનથી કોઈ સર્વે કરીને આવે ને ત્યાં આપણે માનશું. હા, હું કહું છું એટલે તમે નહીં માનો. ભારતના શાસ્ત્રો કહે છે એટલે નહીં માનીએ કે આ ગાયમાં એ તાકાત. આ તમે જે જોઈ રહ્યા છો એ ગીર ગાય છે, કાઠિયાવાડની અસલ ગીર ગાય. વિશ્વના નકશામાં ભલા માણસ આપણી જે કાઠિયાવાડની ગીર ગાય છે, આવી ગાય જેવી ભોળી, એની ગાયમાં જે કરુણા છે એવી કરુણા તમે ગોતી આવી દો તો હું તમારો ગુલામ. તમારા ઉત્તર ગુજરાતમાં કાંકરે જ ગાય છે અને અહીંયા આ ગીર ગાય છે. આ ગીર ગાયના દૂધમાં એ તાકાત છે સાહેબ. ક્યારેક નવરા પડો ને તો ખાલી ખાલી ઇન્ટરનેટ ઉપર સર્ચ કરજો. આ જેટલા જુવાનિયા બેઠા છો એને કહું, 1965 ની સાલમાં કૃષ્ણકુમારસિંહજી જે 3 વાતો મેં મારા રંગકસુમલ ગુજરાતી પુસ્તકમાં લીધી છે, મેં સંશોધન કરી એવો મારો દાવો નથી પણ મેં ભૂલી ગયેલી વાતોને યાદ કરાવી છે. ભાવનગરનું છે કોઈ આમાં? ભાવનગર વાળા કોઈ બેઠા હોય તો કદાચ વાહ, 10-20 જણા છે. કૃષ્ણકુમારસિંહજી ભાવનગરના મહારાજા અને એની પાસે 500 આ ગીર ગાયો હતી જે આમાં તમને દેખાય છે, લાલ લાલ રંગની ગીર ગાય. 500 જેટલી ગીર ગાયો કૃષ્ણકુમારસિંહજી પાસે હતી ને 1965માં પેલું રજવાડું સરદાર પટેલને કૃષ્ણકુમારસિંહજી આપે. પછી સાહેબ સીડ નામનો એક ધોળિયો બ્રાઝિલથી એનો મહેમાન થાય અને સીડ એમ કે મહારાજ મને કોઈ એવી ભેટ આપો કે મારો દેશ તમને યાદ કરે. ત્યારે પોતાની પુષ્પા નામની એક ગીર ગાય હતી એનો ધણખૂટ છે ને એને ભેટમાં આપ્યો કે તું આ વસ્તુ લઈ જા, તારા દેશની શકલ બદલી જશે. અને એ બ્રાઝિલના સીડ નામના ધોળિયાએ બ્લેન્ક ચેક ઉપર એમ કીધું કે મહારાજા લખવા હોય એટલે રૂપિયા લખી લ્યો. ત્યારે મહારાજાને બોલાય કીધું હું રાજા છું, હું લખું નહીં કાંઈ, પૈસા તારા દેવા હોય એટલા દે. અને એ પુષ્પાના ધણખૂટના 10,000 રૂપિયા આપ્યા હતા એ જમાના 1965માં, જેની ત્યારે મૂળ કિંમત 200 રૂપિયા હતી. અને ઇન્ટરનેટ ઉપર સર્ચ કરજો બ્રાઝિલ કાવ, બ્રાહ્મણ કાવ નામની એને એમાંથી આખી આખી નસલ બનાવી, આખે આખી બ્રાઝિલની શકલ બદલી ગઈ. આપણે દીધેલા પુષ્પાના ધણખૂટ થકી આજની તારીખે બ્રાઝિલમાં 36 લાખ ગીર ગાયો છે મિત્રો. અને મને કહેવા દો કે બ્રાઝિલની ઇકોનોમી ઊંચી આવી ગઈ, બ્રાઝિલના સંસદ ભવન સામે એક જ સ્ટેચ્યુ ઊભું છે અને એ આપણા મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી ગોહિલનું છે. બ્રાઝિલના 7 પાઉન્ડના સિક્કામાં આપણી ગીર ગાયનો સિક્કો ફોટો છે સાહેબ. બ્રાઝિલમાં એના નામની કૃષ્ણકુમારસિંહજીના નામની ગૌશાળા અને બ્રાહ્મણ કાવ ક્યારેક ઇન્ટરનેટ પર સર્ચ કરજો, 48 લિટર દૂધ આપે છે એક ટંકનું. આવી ગાય આપણે ભૂલી ગયા અને બ્રાઝિલની ઇકોનોમી ઊંચી આવી ગઈ. આપણી કઠણાઈ છે એટલે એટલીસ્ટ સંતાનોને ભેંસનું દૂધ, કારણ કે ભેંસના દૂધમાં આવળા હોય. ભેંસ છે ને આળસું છે, કેવી આળસું એ ગામડામાં અમે રસ્તો ભૂલી ગયા ને અમે પૂછ્યું કે ભાઈ આ રસ્તો જરાક બતાવો ને. એટલે એક જણો ભૂતો હતો ને એને આમ ચોરામાં આમ પગ હતા ને પગથી આમ કીધું આમ આવી જાઓ મારી પાસે 40 ભેંસો છે તો અંદર જુઓ અંદર ભેંસ બતાવી તો બધી ઓલી માંદડામાં ભેંસ છે ને તળાવમાં હૂતી હતી અને બેઠી હતી. મને કે આ ભેંસ સવારથી સાંજ સુધી આ તળાવમાં બેસે છે અને પાણી ઘીરે જઈને પીવે છે, નદીમાં બેઠી રહીએ આખો દી પણ પાણી મારી ઘીરે આવીને પીએ. અહીંયા બેઠી હોય થી પાણી ન પી, આટલી આળહું છે. હવે આ ભેંસનું દૂધ અમે પીધું એટલે પછી અમને કેવી આળા હોય કયો છે સાહેબ. અને એ આપણે સૌથી વધારે દૂધની અંદર જેટલા પણ રોગોના ઘર છે ને સાહેબ, કારણ કે આપણે દૂધ ગાયનું દૂધ મૂકી દીધું, ગાયની સેવા મૂકી દીધી સાહેબ. કારણ કે પેલા ગાયની રોટલી નીકળતી બહેનોને યાદ હશે, હે સવારના પોરમાં રસોઈ કરો બેન પેલા ગાયની રોટલી કાઢે. ગાયની રોટલી પેલા ગાયને દેવાની હોય હાથમાં. સાહેબ મારી ચેલેન્જ છે કે ગાયને તમારી જમણી કે ડાબી હથેળીની અંદર રોટલી મૂકીને ગાયને જમાડો અને ગાય તમારા હાથમાંથી રોટલી ચાટીને ખાઈ જશે ને. શાસ્ત્રો મે ગૌ માતા કો ધન ધન સુખ સંપદા और नाना प्रकार के फलों को देने वाली बताया गया है. अंतःकरण से जो गौ माता की सेवा करता है उसे इस जन्म में नाना प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और मृत्युपरांत उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है.
वेदों में गौ माता को काम धेनु का प्रतीक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जहां से काम धेनु का उद्भव हुआ है वहीं से